सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मिला है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पीसी में आपके फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है वो शो नहीं हो रहा तो आप कैसे ठीक करोगे। मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर देखिए हॉटस्पॉट ऑन किया है और डेटा भी ऑन किया है, डेटा ऑन है और आपके सामने यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, अपने फ़ोन का ऑन है और अपने पीसी में जाके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, हमारी ड्राइव ही शो नहीं कर रहा। तो फिर आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप अपनी ड्राइव कैसे शो कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। तो फिर बने रहना मेरे साथ वीडियो पर। तो फिर वीडियो को स्किप मत करना। तो फिर मैंने सब कुछ कर लिया, एरोप्लेन मोड में डाल के डेटा ऑन करके सब कर लिया लेकिन ये शो ही नहीं हो रहा पीसी के अंदर, तो मैं इसे शो कैसे करूं? तो फिर बने रहना मेरे साथ वीडियो पर। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए दिस पीसी का आइकन दिख रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए मैनेज का ऑप्शन है, आपको मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर एक बार प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा लोडिंग लेगा उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ड्राइव मैनेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए ड्राइव मैनेज, आपको उस पर प्रेस करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेटवर्क सर्च करना है। देखिए नेटवर्क कहाँ है आपको, आपको नेटवर्क अडेप्टर सर्च करना है, नेटवर्क अडेप्टर सर्च हुआ है और यहाँ पे देखिए यूएसबी वायरलेस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जाना, उसके बाद में यहाँ पे आपको एडवांस में जाना है, आपको देखिए एडवांस दिख रहा होगा, एडवांस में जाना है। उसके बाद में देखिए आपको आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है 2.4GHZ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे #1113 कर देना है, आपको यहाँ पर ओके कर देना है। बस ओके करने के बाद आपको देखिए थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ पर मैं ओके कर दिया हूँ और हमारा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर आके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो जो है सॉल्व हो चुकी है। तभी देखिए यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पर आता हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पर आता हूँ और यहाँ पर आपको देखिए अब मैं अपना जो नेटवर्क है वो कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कनेक्ट होता है नहीं होता। मैं वाईफाई में जाता हूँ और कनेक्ट करता हूँ कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडमी 10S लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा जो कनेक्शन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। आप भी इसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ है, रेडमी 10S यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो ऊपर रेडमी 10S यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपके सामने लाइव प्रूफ है कि कनेक्ट हो चुका है। बस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।